सबों को जोहार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है फेमिनिज्म। और फेमिनिज्म शब्द सुनकर आप में से बहुत लोगों को ये लगता होगा कि ये पुरुषों के खिलाफ लड़ाई का एक मोर्चा है, या फिर आपको ये लगता होगा कि ये बराबरी की लड़ाई है, हमें भी साथ देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरी तरह जिन्हें ये स्कूल के एक मुश्किल चैप्टर की तरह लगता है, थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो हम इस विषय पे ही आज चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़े हैं कुछ गेस्ट्स। तो हम पहला सवाल आलोका जी से लेते हैं, उनसे हम जानते हैं कि फेमिनिज्म उनके नजर में क्या है, उनके व्यूज क्या है इस पे, और एक ले मैन के व्यू से, एक साधारण इंसान के तरीके से आप कैसे डिफाइन करेंगे, अगर एक ले मैन को समझाना हो इस बात। हम फेमिनिज्म को एक लाइन में ही डिफाइन करते हैं, वो है वर्चस्व और हैसियत की बात, जो हम लोग चाहते हैं समाज में समानता लाने की बात। यहाँ समानता लाने को ही हम फेमिनिज्म की दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वर्चस्व हैसियत ना बोले, हैसियत थोड़ा एक रूडली वर्ड लगता है, लेकिन पहचान, एक पहचान लाना और एक समानता वाली समाज की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण काम है, तभी हम समाज में इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, बराबरी की बात कर सकते हैं। आदिवासी फेमिनिज्म क्यों, फिर सवाल आ जाता है जी, कि आदिवासी फेमिनिज्म क्यों। तो हमें लगता है कि ये फेमिनिज्म को हम लोगों को एक लाइन में डिफाइन करनी चाहिए, बस वर्चस्व, पहचान और अपनी हैसियत, ये एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है। तो आप ये समझ कर रहे हैं, या मेरी समझ से जो आप कहना चाह रही है, ये वर्चस्व की लड़ाई है जिसका फाइनल गोल ये है कि स्त्री और पुरुष बराबर, यही आप कह रहे हैं। हाँ, स्त्री पुरुष बराबर के साथ साथ काम में भी बराबरी हो, राजनीतिक दृष्टि में भी बराबरी हो, सामाजिक क्षेत्र में भी बराबरी हो, और दृष्टिकोण में भी बराबरी हो, और हिस्से बंटवारा में भी बराबरी हो, साथ ही जो पेमेंट है, माने पे औरतों को जो सेवा भाव की दृष्टि से देखा जाता है, वो दृष्टिकोण से ना होके एक प्रोफेशनल दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। तो मूल बात ये है कि जो फेमिनिज्म शब्द है वो महिलाएं कहीं ना कहीं हिंसात्मक, वो हिंसा का शिकार हुई है, वो वहां वो दबी है पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत, जो वो गाइड की गई है उसके अंदर वो दबी है, कुचली है, हिंसात्मक हुई है, वो अपने वजूद को खोया है, उसने अपने तमाम पहचानों को खोया है। तो इन तमाम पहचानों को बनाने की एक बड़ी मुहिम है फेमिनिज्म, और फेमिनिज्म एक व्यापक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जो एकदम लेमैन, एक साधारण महिलाओं को समझने के लिए उनको हम बराबरी की बात बार बार दोहराना चाहते हैं कि बराबरी की बात हम करना चाहते हैं, और ये आदिवासी समाज में स्त्री पुरुष जो है श्रम के मामले में बराबरी है, लेकिन श्रम का मूल्य उनको बराबरी कभी नहीं मिला है। तो ये श्रम का मूल्य को बराबरी मिलना, राजनीति में हैसियत बनाना, वहां अपनी वर्चस्व की लड़ाई को कायम करना, वहां अपनी बातों तक पहुंचाना, इवन तक कि लेमैन अगर ग्राम सभा या गांव के स्तर पर हो, ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में उनकी बातों को सुना जाना, उनके उन पर हो रहे हिंसाओं पर बहस चलाना, उनके जो हिंसात्मक समाज है वो समाज को लेकर
नए स्वरूप और नए बदलाव की ओर बढ़ना, ये मूल एक दृष्टिकोण है मेरा। इस दृष्टिकोण से फेमिनिज्म जो है वो अपने स्तर से काम करती है, लेकिन इसके भी कई कई डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशन है फेमिनिज्म के। उस फेमिनिज्म में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जेंडर है, इक्वलिटी का मसला है, उदारवादी फेमिनिज्म है, मार्क्सवादी फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म है, फिर दलित फेमिनिज्म है, इसके अलावा आदिवासी फेमिनिज्म। तो बहुत सारे डायमेंशन है इसके अंदर, तो उस डायमेंशन को समझने की हम लोगों को जरूरत है। और ये व्यापक व्यापकता में अगर आप देखेंगे तो सब में कहीं ना कहीं रूट जो है अलग अलग रहा है। हिंदू सोसाइटी में हिंसात्मक प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ने के कारण फेमिनिज्म का जो दौर आया, उनमें बहस आई, चर्चाएं आई, महिलाएं बाहर निकली, आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, मुद्दाएं रेज हुए, लेकिन वो फेमिनिज्म एक दौर आते आते कहीं ना कहीं स्टेबल रूप ठहरा हो जाता है। सामाजिक आंदोलन तक तो ठीक है, सामाजिक आंदोलन तक वो दिखते हैं, लेकिन राजनीतिक आंदोलन आते आते फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये फेमिनिज्म का अपना अपना डायमेंशन है। तो फेमिनिज्म को हम एक दायरे में बांध कर या एक क्षेत्र में बांध कर नहीं देख सकते हैं, और इसलिए हर दौर में फेमिनिज्म का स्वरूप भी बदला है। 1960-70 के दशक में फेमिनिज्म जो है वो विमेन सेक्स को लेकर काफी चर्चा में रहा, काफी उस पर बहस हुआ। द सिमोन दि बुआ की जो किताबें हैं उसमें काफी चर्चा की गई, महिलाओं सेकंड सेक्स जो किताब आया उसपे काफी चर्चाएं हुई, काफी बातचीत डाले गए उसमें। तो एक दौर था 60 और 70 के दशक में, उस समय हिंसा को लेकर महिलाओं ने जबरदस्त काम किया और नई नई चीजों नई तरीके से चीजों को गढ़ना शुरू किया और समाज में परिवर्तन की धार को स्थापित किया है उन्होंने। जी, मतलब अलग अलग इस दृष्टिकोण के तहत देखना देखते अलग अलग टाइम स्पेन में इसका स्वरूप अलग अलग बदला है और अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ी गई। हाँ, ये आप कह रहे हैं। और रजनी जी, हाँ, आप इसको किस तरीके से डिफाइन हाँ करेंगे फेमिनिज्म को, कि एक साधारण कम पढ़ा लिखा इंसान भी आसानी से समझ सके कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कैसे? बिल्कुल, हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि एक साधारण इंसान को समझ में आना चाहिए कि फेमिनिज्म क्या है। तो फेमिनिज्म का मतलब बहुत साधारण में कहें कि एक स्त्री को भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक पुरुष को मिले हुए हैं समाज में, राजनीति में या घर में या पंचायती में, बैठकों में, हर जगह जो अधिकार ये जो मौके पुरुषों को मिले हुए हैं वो सारे मौके औरतों को भी मिले। फेमिनिज्म का सीधा मतलब यही होता है कि दोनों को बराबर का हक मिले। जी, तो आप भी वही कह रही हैं जो आलोका जी कह रही हैं, आप इसे हाँ आसान भाषा में समझा रही हैं। अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहती हैं नीलम, इस व्यू में उनका भी कुछ एक एंगल हो तो उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचती हैं। नहीं, मेरे से पहले आलोका जी और रजनी जी ने बहुत अच्छे से बता दिया है। मतलब फेमिनिज्म, स्त्रीवाद या नारीवाद, इसका मतलब ये एक आंदोलन है। मतलब क्योंकि पुरुषों ये जो समाज है पितृसत्तात्मक है और इसमें सारे अधिकार मतलब जिन अधिकारों से वंचित किया गया है स्त्रियों को, एक स्त्री होने के नाते यानी लिंग के आधार पर उनके साथ जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए ये आंदोलन है। लिंग के आधार पर जितने भी उनको अधिकार से वंचित किया गया, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, जिस भी आधार पर उनके साथ भेदभाव किया गया है उसी भेदभाव को खत्म करने के लिए एक आंदोलन के रूप में उभरा। और
डेफिनेशन यही है कि ये एक समानता की लड़ाई है, एक डिग्निटी, एक मनुष्य होने के नाते उन्हें भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों के पास है, बस यही। ठीक है, तो एक जरूरी सवाल अब ये आता है कि जब भी हम फिल्मों में या मेन स्ट्रीम मीडिया में या साहित्य में फेमिनिज्म की बात करते हैं तो वो एग्जांपल देते हैं कि आप आदिवासी समुदाय को देखो, वहां कितनी समानता है, वहां सेक्स सिलेक्टेड अबॉर्शन नहीं है, अपने पसंद के विवाह कर सकती लड़कियां, ये सारी बातें मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत बार कही जाती कि आदिवासी समाज से सीखो। तो ऐसे समय में ये सवाल रजनी जी को जाएगा कि ऐसे समय में आप आदिवासी फेमिनिज्म का मुद्दा उठा रही है जब आदिवासियों का एग्जाम्पल दिया जाता है बराबरी में, ये क्यों? हाँ, इसलिए क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया जो है उसके जो लेखक हैं या जो चीजों को दिखाते हैं उन लोगों ने वही चीजें देखी है जो हमने उनको दिखाई है। मतलब हमने मतलब हमारे जो लेखकों ने लेखक जो है हमारे जो साहित्यकार हैं या जो हमारे जो वक्ता हैं हमारे जो लीडर हैं उन्होंने जो दिखाया है बाहर से कि आदिवासी समाज में ये चीजें नहीं होती है। और वो एक तरह से तुलना करते हैं, जैसे अगर हम अपने भारत में ही भारत के लेवल में ही बात करें कि हिंदू महिलाओं के साथ जिस तरह से घटनाएं होती है कि जैसे वहां पे भ्रूण हत्या है या दहेज हत्या है, तो इस तरह से वो तुलना करते हैं कि आदिवासी समाज में तो ये चीज नहीं है, भ्रूण हत्या यहाँ नहीं है, दहेज हत्या भी नहीं है, घूंघट भी नहीं लगाती हैं आदिवासी औरतें जिस तरह से हिंदू औरतें लगाती हैं, या आदिवासी औरतें घर से बाहर जाके काम करती हैं, आजाद है मतलब निकलती हैं बाहर जाके काम करती हैं, और हिंदू औरतें खासकर के स्वर्ण जो औरतें रहती हैं वो घर से निकलती नहीं है, बाहर घर के अंदर रहती हैं। तो इस तरह से वो इसका तुलना करते हैं कि देखिए हमारे यहाँ आदिवासी समाज में तो ये सारी चीजें नहीं है, और हम लोग खुद भी तुलना करते हैं, हमारे जो आदिवासी साहित्यकार हैं या जो लेखक है वो भी तुलना करते हैं कि ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि घर से निकलना मतलब वो आजादी एक तरह से लगता है कि जिन औरतों को घर से निकलने नहीं दिया जाता है उनके लिए घर से निकलना एक आजादी की बात हो सकती है, लेकिन आदिवासी औरतों के लिए वो जरूरी नहीं है कि वो आजादी होगा, क्योंकि घर से निकल करके बाहर जो वो झेलती है वो हम उस पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि बाहर में उनको कितना बाहर निकल के वो करती क्या है। जी, आदिवासी औरतें जो बाहर जाकर काम करती हैं या एक लेबर के रूप में ही अगर मान लीजिए केरल जा रही है, गुजरात जा रही है या दिल्ली जा रही है, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या वहां जा करके क्या वो बहुत ज्यादा खुश है, क्या वहां उनके साथ शोषण नहीं होता है, या घर के लोग जो उनको बाहर भेजते हैं काम करने के लिए या जाने देते हैं, क्या उसमें उसमें उस आदिवासी औरत की आजादी मतलब का मकसद आजादी होता है कि जाओ आप आजाद हो अपनी जिंदगी जियो, या फिर ये मकसद होता है कि जाओ आप घर से बाहर जाओ बाहर जाके कमा कर हमारे लिए लेके आओ, है ना। अगर आप उसको घर से बाहर जाने की बात को आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना अपना घर चलाने के लिए आप औरत को बाहर भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को फिर से समझना पड़ेगा कि क्या ये इसमें औरतों की आजादी है, बाहर जाकर काम करना फिर घर में भी आकर काम करना। मुझे लगता है कि आदिवासी औरतों के लिए तो ये तो डबल एक तरह से बोझ है, दोहरा बोझ है आदिवासी औरतों पर। वो जंगल में भी जाकर के लकड़ी तोड़ती है, वहां से पत्तल लाती है, या खेत में जाकर के काम करती है, फिर घर में भी आके काम करती है, तो इस तरह से दोहरा बोझ जो है उन पे काम का जो बोझ है इसको जो हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं या जिसका महिमा मंडन हम लोग करते हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि इससे आदिवासी औरतें कितनी ज्यादा खुश है, क्या उनको इतना सारा काम करना खुशी देता है या उनकी सेहत बेहतर होती है, ये हम लोग को इस पे हम लोग को सोचने की जरूरत है। जी, तो आप उनके एक काम को लेकर के बात कर रही हैं, मतलब जी मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन इससे बहुत लोगों को ये असहमति हो सकती है कि पुरुष भी काम करते हैं, आदिवासी पुरुष भी खेत में काम करते हैं। खैर, ये एक एग्जांपल है, इसके अलावा और क्या प्रोमिनेंट एग्जांपल्स आप देंगे कि जिससे पता चले कि आदिवासी समाज के अंदर उनका शोषण हो रहा है? हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि उनको वो अपने पसंद से जीवन साथी चुन सकती हैं, है ना, ये आपने कहा, और
उनको पर्दा नहीं करना पड़ता है। तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि ठीक है, ये चीज हम लोगों को फेमिनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, शुरू से मैं अगर बात करूं कि फेमिनिज्म जो एक है उसमें एक शब्द है समावेशी स्त्रीवाद, मतलब वैसा स्त्रीवाद जिसमें हर समुदाय की या हर धर्म की महिलाओं की जो स्थिति है वो अलग अलग है, उनकी समस्याएं अलग अलग है। मैंने पहले भी कहा था कि जो समस्या एक हिंदू महिला की है, जो समस्या एक दलित महिला की है, या जो समस्या एक मुस्लिम महिला की है, जरूरी नहीं है कि सभी महिलाओं की समस्याएं एक जैसी होंगी। उनकी जो उनका जो शोषण है, औरतों का जो शोषण है, ठीक है औरतों का शोषण पितृसत्ता करती है, लेकिन उनका जो स्वरूप है शोषण का स्वरूप, वो हर समुदाय हर धर्म और हर भौगोलिक स्थिति के अनुसार वो बदलते रहता है। तो यहाँ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आदिवासी औरतें वो उस तरह से शोषित नहीं होती है जिस तरह से हिंदू औरतें शोषित होती है। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर्दा नहीं होता है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि हमारे यहाँ संथाल में, क्योंकि मैं संथाल समुदाय से, यहाँ पे भी बहुत पर्दे करने पड़ते हैं औरतों को, खास करके बहुओं को। उनको अपने भैंसुर के सामने बाल बांध के रखना पड़ता है, वो भैंसुर के सामने पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है, वो साइकिल नहीं चला सकती है। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये सब पर्दे की ही बात है ना। फिर आप कहेंगे कि शहरों में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हम पूछेंगे आपसे कि शहर में आदिवासी समाज कितना रहता है ना, 10% या 20%। बाकी बहुसंख्यक जनता जो है, आदिवासी जो महिलाएं हैं, वो तो गांव में बसती है, उनको ये सारे जो बंधन है या टैबू है वो फॉलो करने पड़ते हैं उनको। तो ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा अलग है हमारी जो समस्याएं, जो दिखती नहीं है। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण दिया कि गांव की जो बहुएं हैं वो साइकिल नहीं चला सकती हैं, उनको भैंसुर के सामने साइकिल पे या अपने मोहल्ले में वो साइकिल पे चढ़ के नहीं जाती हैं, बाल वो खोल के नहीं रख सकती हैं, या अपने भैंसुर के सामने में खटिया में नहीं बैठ सकती हैं। तो ये सारी बातें तो क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को हमने बताया ही नहीं है, अब वो तो हमारे घर में आके रहते नहीं है, है ना। उन्होंने वही पढ़ा जो उनको पढ़वाया गया या जो उनको दिखाया गया। तो ये सारी समस्या है, मतलब फेमिनिज्म की जितनी जरूरत है दूसरे सोसाइटीज को, आदिवासियों को भी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस तरीके से अगर आप हिंदुओं की तरह या महिलाओं की तरह या मुस्लिम महिलाओं की तरह अगर आप तुलना करेंगे तो उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हमसे ये समझना पड़ेगा कि आदिवासी महिलाओं की समस्याएं अलग ही हैं। फिर आपने कहा कि उनको अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी सवाल है कि अगर उनको जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है या किसी के साथ भी संबंध बनाने का, आदिवासी समाज औरतों को बहुत आजादी देता है। तो आप अभी आप देख लीजिए सोशल मीडिया में जिस तरह से लोग उन महिलाओं को ट्रोल कर रहे हैं जो गैर आदिवासी समाज से के पुरुषों के साथ जुड़ती हैं या उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करती हैं। तो ये उनको जिस तरह से अभी लोग ट्रोल कर रहे हैं या उनको उनके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ऐसी महिलाओं का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, यहाँ तक कि वो पुलिस के पास कंप्लेन करने जाते हैं, और यहाँ तक कि पीड़िता जो लड़की के घर में भी जाके धमकाते हैं उनके माता पिता को। तो ये जो हम देख रहे हैं, पहले हम आप ये कहेंगे कि भाई पहले तो ऐसा नहीं होता था, हमने देखा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है इसका। अब आप देख लीजिए सोशल मीडिया में हर चीज का रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको, किस तरह से लड़कियां ट्रोल हो रही हैं या उनके साथ रियल में जो मारपीट हो रही है या उनके साथ जो हिंसा हो रही है, गैंगरेप की घटनाएं हो जा रही हैं ऐसी लड़कियों के साथ जो गैर आदिवासी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर रही है। जी जी जी, अगर जी। अगर इसी चीज को हम यूथ के पर्सपेक्टिव से देखें, मतलब यूथ जो जनरली गांव से कनेक्ट नहीं करता है, शहरों में या अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता है, तो हम पूछना चाहेंगे नीलम जी से कि उनके पर्सपेक्टिव में क्या हो सकता है ये आदिवासी फेमिनिज्म, क्योंकि वहां ये पर्दा और जो साइकिल चलाने वाली एग्जांपल्स जो दे रही थी रजनी जी, वो शायद आप लोगों के परिवेश में अप्लीकेबल ना हो, तो फिर आपके लिए कितना सार्थक है। देखिए मैं इसके लिए कहना चाहूंगी कि जो रजनी दी का सवाल, जिस सवाल आपने पूछा था रजनी दी से पहले, मतलब सवाल क्या था,
कि मतलब आदिवासी फेमिनिज्म की आवश्यकता क्यों है, जबकि मेनस्ट्रीम मीडिया और बाकी साहित्य में हम देखते हैं कि आदिवासी स्त्रियों का एग्जाम्पल दिया जाता है कि उनमें बराबरी है। तो मैं इसी सवाल का पहले आंसर करना चाहूंगी। बात ये है कि देखिए, अब जब मुख्य धारा के समाज हो या फिर दलित समाज हो या फिर मुस्लिम समाज, इनसे यानी मुख्य धारा में जो आते हैं, जो समाज आदिवासी को मुख्य धारा में इंक्लूड नहीं किया जाता है, मेन स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, उनको बाहर रखा जाता है, तो उस समाज से आप तुलना करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि जैसे कि आपने कहा, उदाहरण दिया कि मतलब जीवन साथी चुनने का अधिकार है, दहेज प्रथा उस तरह से नहीं है, बाकी और भी चीजें जैसे त्योहारों में ज्यादा पार्टिसिपेट है महिलाओं का आदिवासी समाज में, और फिर वो मतलब घर और बाहर ज्यादा काम करती हैं, पुरुषों से कंधे मिलाकर घर में भी बाहर में भी काम करती हैं। ये सब चीजों से जब तुलना करेंगे तो उनसे बेहतर स्थिति में, इन सब चीजों में वो जरूर है बेहतर स्थिति में, लेकिन अब जहाँ दूसरी बात करेंगे कि समानता है, तो फिर उसका आंसर है नहीं, आदिवासी पुरुष और स्त्रियों में समानता नहीं है। देखिए कई सारे रीजन है, देखिए पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं है महिलाओं को, कहाँ से समानता होगी, और फिर इसके अलावा काम का बंटवारा भी जिस तरह से हुआ है उसमें भी उनकी चॉइस नहीं है, हल चलाना छप्पर छाड़ना ये सब चीजें अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है, तो ये भी समानता नहीं है। और फिर जब काम की बात जो रजनी दी कर रही है, डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा है कि मतलब घर और परिवार में भी जो महिला की जो भूमिका है, आदिवासी महिला की एक भूमिका है वो ज्यादा है। मतलब खेती बाड़ी के कामों में आप देखिए, हल चलाना हो गया या फिर एक दो धान ले जाना, उसके अलावा महिलाएं ज्यादा खटती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। जैसे आदिवासी महिला जब इंडिपेंडेंट होती है, जॉब भी करती है, तब भी अगर आप देखें घर में उसका जो निर्णय है परिवार के लिए या समाज में, एक निर्णय जो है महत्वपूर्ण निर्णय जो वो पुरुष करता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, तो नहीं है इक्वलिटी, नहीं है समानता, नहीं है, अलग तरीके से जरूरत है आदिवासी समाज को। जो नारीवाद है, स्त्रीवाद, इसीलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। अगर होती, और अभी जैसे जैसे लेखन आ रहा है या फिर ये सोशल मीडिया आप देखिए जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है महिलाओं को, खासकर अभी जो बोल रही थी शादी के मैटर पे, इस तरह से जो बढ़ रही है, ये भले पहले ना रहा हो ये, बट अब तो इस चीज को अब दिखाया जा रहा है ना सोसाइटी में, अब इस चीज को, अब डॉक्यूमेंट है आपके पास कि ये किया जा रहा है, तो आप इक्वालिटी की बात कैसे कर सकते हैं? अलग तरह से है स्वरूप, डेफिनेटली अलग है। और काम करने को लेकर जो है, आप देखिए समाज में है कि आदिवासी स्त्री की समाज में ठीक है उसकी इज्जत है, फिर भी ठीक है थोड़ी बहुत, लेकिन बाहर वो किस तरह से शोषित है, दोनों शोषण हो रहा है दूसरे समाज में, क्योंकि जो भी है इसके कई अपने रीजन हो सकते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, खासकर मजदूरी करने के लिए, लेबरर बन के जब जाते हैं दूसरे राज्यों में या दूसरी जगह पे, तो उनको मतलब जिस तरह से मतलब पुरुष प्रधान समाज में दूसरे पुरुष भी जिस तरह से देखते हैं, उनका शोषण करते हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं आती है, वो आदिवासी समाज में भले पहले नहीं थी, बट अब आदिवासी समाज के भी लड़कों के नाम आ रहे हैं बलात्कार जैसी घटनाओं में, तो ये सब पितृप्रधान सोच, पितृसत्तात्मक, इसी मतलब प्रधान समाज की ही देन है मैं ये कहती हूँ। तो फिर है अभी मतलब आदिवासी स्त्रीवाद की, आदिवासी फेमिनिज्म की जरूरत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि जो भी कारण हो, सांस्कृतिकरण हो चाहे जो भी कारण हो, लेकिन बढ़ रहा है आदिवासी समाज में पितृसत्ता जो सोच है वो बढ़ रहा है, इसीलिए आदिवासी पितृ मतलब आदिवासी फेमिनिज्म की आवश्यकता है, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है भले बेहतर एक्सप्लॉयटेशन का तरीका अलग है मगर है, डेफिनेटली है, वही हो सकता है दूसरे समुदायों से थोड़ा बेटर हो मगर है, अलग तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है और अब ये बढ़ रही है। अगला सवाल श्याम जी के लिए है, क्योंकि इस फील्ड में उन्होंने काफी कुछ पढ़ा है और कुछ लिखा भी है, तो उनसे ये जानना चाहेंगे कि जो बातें हो रही है आदिवासी महिलाओं के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि 50 साल पहले, 100 साल पहले आदिवासी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और अब खराब हो गई है, या तो आपको लगता है कि ये और खराब हो रही है? देखिए ये मुद्दा जो है आदिवासी फेमिनिज्म का, तो एक बात तो पूरी कॉमन रूप से माननी चाहिए कि महिलाओं को लेकर के समाज में जो है कुछ एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं, और वक्त के साथ जो बदलाव आने चाहिए थे
समाज और समुदाय को जो बदलाव अपनाने चाहिए थे वो बदलाव अपनाए नहीं गए। और रही बात महिलाओं को लेकर की, जो उनकी स्थिति है वर्तमान को लेकर के, या फिर आज से 100 साल पहले उससे, या फिर उससे पहले की बात जो है, तो मेरा यही मानना है कि मेरा मानना यही है कि जिस प्रकार से आदिवासियत जो है, आदिवासियत आदिवासियों में जिस तरीके से खोती गई है, महिलाओं की स्थिति जो है वो उतनी ही खराब होती गई। यानी कि वक्त के साथ आज जैसे जो रजनी जी ने कहा कि हल को लेकर के फाइन करना पड़ता है, मतलब उनको वो हल नहीं चला सकती है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आज के समय में महिलाओं जो है वो आज हर फील्ड में आगे आ रही है, हर एक फील्ड पर। मैं मानता हूं कि महिलाओं को ना केवल हल चलाना चाहिए बल्कि ट्रैक्टर भी उनको ट्राई करना चाहिए। और जो मेन मुद्दा है, जो मुख्य सवाल है, मैं उस पर आऊंगा कि मेरी राय नारीवाद को, खासकर आदिवासी महिलाओं को लेकर के, वो नारीवाद से थोड़ी सी हट के है और वो आदिवासियत को लेकर के, और खासकर संतालों को लेकर के, क्योंकि मेरा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत संताल समुदाय से बिलोंग करता हूँ। तो डब्ल्यू जी आर्चर जो है, उनकी बहुत एक फेमस किताब है ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस, आज के वक्त में मुझे लगता है कि वो जो भी लोग हैं जो कस्टमरी लॉ को लेकर के लड़ रहे हैं, या फिर कस्टमरी लॉ को आगे शील्ड की तरह उपयोग करके महिलाओं के प्रति कुछ खराब कह रहे हैं, और या फिर कोई भी जिनका कस्टमरी लॉ को लेकर के मत अलग हो, तो ये सबसे जानना बहुत जरूरी है कि आज से 100-200 साल पहले हमारी जो वास्तविकता थी, हमारी जो आदिवासियत थी, वो काफी अलग थी। और ट्राइबल लॉ जस्टिस का मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो एकमात्र किताब है उस दौर में जिसमें संतालों के ऊपर, उनके लॉज के ऊपर, और महिलाओं, पुरुष, विवाहित, अविवाहित, हर एक के अधिकार को लेकर के काफी डिटेल्स में लिखा गया था। और वो किताब शुरू होती है इसी लाइन से कि हर्बर्ट रीड एक राइटर्स हैं, उनका वो सेंटेंस इंग्लिश में है, मैंने उसका ट्रांसलेट किया हिंदी में। तो आदिवासियत की मूल भावना जो है, और इसी में ही मैं समझता हूँ कि समस्याओं की जड़ और समस्याओं का समाधान जो है, वो इसी बात से मैं समझता हूँ कि वो मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। कि वहां उन्होंने कोट किया था कि समाज में मनुष्य स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, क्योंकि समाज यदि वास्तविक है तो यह पारस्परिक विचार का बंधन है। सामान्य कानून, जिसे हम कस्टमरी लॉ जिसे हम कहते हैं, वो पारस्परिक विचार का बंधन है, और ये अनिवार्य रूप से हमारे समुदाय के जो सदस्य हैं, ये उनके बीच और हरेक का सही और न्यायसंगत होने की भावना है। और आर्चर जो है वो ये भी लिखते हैं उस दौर में कि कस्टमरी लॉ जो थे उस दौर में, वो आदिवासियों के लोकगीत की तरह थे। और मैं मानता हूं कि जो इसको हम संताल में मारे सरेंग बोलते हैं, जो सबसे पहले के जो गाने, मैं मानता हूं कि उसमें महिलाओं और पुरुष को जो है बराबरी के अधिकार थे उसमें। और समाज में जो, जैसे आपने सवाल किया कि ये उनकी स्थिति जो है क्या अच्छी थी क्या खराब थी, तो इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि संतालों के अंदर जो एक पावर स्ट्रक्चर था नहीं, सत्ता थी नहीं उनके अंदर पहले, और ये जो है ये 100 साल में नहीं, 300 साल मुझे लगता है कि उनका संपर्क जैसे होता गया वो वैसे वैसे हुआ। और इसका सबसे बड़ा एक मेन सोर्स जो है वो ये है कि संताल परगना सेटलमेंट एक्ट जो है 1872 का, पहले दौर में क्या होता था कि महिलाओं और पुरुष को जमीन में बराबरी का अधिकार था। ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस में बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे घटनाएं जिसमें दिया गया है कि महिलाएं और जो मैन है उनको इक्वली राइट्स मिलते थे हर एक चीज को लेकर के, और संपत्ति जो थे, चल संपत्ति चाहे वो चाहे गाय बकरी के रूप में हो, जमीन हो, सब में उनको बराबरी का हक मिलता था। और 1872 का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही एक खास इंसिडेंट है संतालों के लिए। ये रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग जो है संताल परगना में जब जमीन बांटी गई, जब जमीन का पट्टा जब दिया गया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मैन थे उनका नाम लिया गया 1872 में। और जब ऐसा हो, और इसमें ऐसा नहीं था कि, और इसका कानून यही था कि खेत में, मतलब जमीन उसी के नाम होगी जो खेती करता है। अगर किसी फैमिली में 4 भाई हैं, अब चारों में से किसी का नाम लिख नहीं सकते, और 2 बहनें उसका नाम लिख नहीं सकते, तो गैर आदिवासी जो उस दौर के थे, चाहे वो अंग्रेज थे या फिर जो दूसरे समुदाय के थे, जो उस टाइम कानून और शासन व्यवस्था के लोग थे, उन्होंने अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग जो है जमीन का पट्टा या नामकरण है वो दिया। 1909 में मैक्सरेसन की रिपोर्ट आई थी, तब वहां भी उसने यही कहा था कि हाँ, जब हमने जमीन के पट्टे बांटने शुरू किए, जो हमने जमीन को एक सिस्टमेटिक वे से बांटना शुरू किया, तब हमें इस संताल के कस्टम्स लॉ का हमको ध्यान रखना चाहिए था।
और यही होता है कि 1909 में एक सेक्शन 23 ऐड होता है इस लॉ में, और इसमें कहा जाता है कि संताल कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग ही आपका म्यूट हो गया, म्यूट कर दिए, म्यूट हो गया। हेलो, ठीक है, हाँ, आप ठीक। हाँ, लेकिन 1909 में सेक्शन 23 ऐड हुआ, में कहा गया कि संताल के कस्टम्स लॉ को इसमें ऐड किया जाएगा और जो उनकी ट्रेडिशंस हैं जमीन को बांटने की उसका ध्यान रखा जाएगा, जिसमें महिलाओं को भी जमीन का बराबरी का अधिकार था। 1922 में एक रिपोर्ट फिर आई और उसमें कहा गया कि ऐसा नहीं हुआ, भले ही वो क्लॉज ऐड किया गया लेकिन उस दौर तक भी जो है महिलाओं को जमीन ना के बराबर मिला था। तो सीएस बम्पास जिन्होंने फोकलोर ऑफ संताल पढ़ना लिखी थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि इस लॉ में जो है संताल के लॉ का ध्यान नहीं रखा गया और आगे चल करके ये एक विनाशकारी साबित होगा संताल। और मैं मानता हूं कि इसी का जो रिजल्ट है वो आज समुदाय झेल रहा है, महिलाओं को जिस प्रकार से धीरे धीरे मतलब उनकी उपस्थिति जो है वो खारिज की जा रही है, चाहे वो समाज की आम बैठक हो या फिर कोई भी आम राय हो, घरेलू हो, पारिवारिक हो या फिर सामुदायिक हो, मुझे लगता है कि इस दौर में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर चेंज जो है जो आदिवासियों के अंदर आया है। और एक खास बात जो है मतलब मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जैसे अभी बहुत बातें ऐसे, बहुत चीजें ऐसी है उस दौर की, यदि इसको हम सुने तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा आदर्शवादी है, क्या हम बिल्कुल ऐसे थे। तो दो घटना है जो आर कास्टर्स ने अपने एक बुक में लिखी थी, उनकी बुक का नाम था द लिटिल वर्ल्ड ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, और ये भी संताल परगना की ही एक घटना थी, जिसमें उन्होंने पहाड़पुर गांव का जिक्र किया है कि 1942 में पहाड़पुर गांव का जो माझी होता है उसके कोई बेटे नहीं होते हैं लेकिन उसकी मृत्यु होती है, और संतालों के लॉ के अनुसार जो है क्योंकि माझी का पद जो है वो वंशानुगत होता है, जरूरी नहीं है कि वो वंशानुगत हो लेकिन मोस्टली जो है वो वंशानुगत होता है। उस दौर में उस बार क्या हुआ था कि उस माझी की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसकी वाइफ को जो है माझी नियुक्त किया गया, ना केवल बकायदा माझी नियुक्त किया गया बल्कि वे उसका नाम लेकर के एसडीओ के पास गए और ऑफिशियली उन्हें उसका नाम दर्ज कराया। दूसरी घटना सेम दौर की उसके दूसरे गांव की है, गांव का नाम था खिजुरिया गांव का नाम था, और एक माझी था गांव का, और ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बाहर चल जाता है और ये अपनी वाइफ को जो है माझी का पद दे करके जाता है, गांव वाले भी जो है उसे स्वीकारते हैं और उसके वापस लौट के आने तक वो महिला जो थी वो माझी का पद संभालती है, सोशल राइट्स में, कस्टम्स में, हर जगह वो उस पद का निर्वहन करती है, बकायदा जो रेंट कलेक्शन होता है वो वहां भी उसमें जाते हैं। बाद में उसने लिखा है कि रेंट कलेक्शन उसके लिए फिजिकली संभव नहीं था तो उसने एसडीओ को रिक्वेस्ट किया था कि वो किसी और को नियुक्त करे। तो इन सारी घटनाओं से मेरा यही मानना है कि हमारे इस लंबे से दौर में जितने बदलाव आए हैं, क्योंकि संस्कृति को जो लिख लेकर के जो है हम नेग्लिजेंसीज कर रहे हैं और संस्कृति जो है वो होती जा रही है और हमारी समस्याएं बिल्कुल वैसे ही होती जा रही हैं जैसा एक आम व्यक्ति जो एक आम महिलाएं जो है जैसा हम शहर में देखते हैं कि शहरी महिला को जो फेस करना पड़ता है, धीरे धीरे वैसी समस्याएं जो है वो हमारे यहाँ पर भी आ रही हैं। तो एंडिंग में मैं यही कहना चाहूंगी कि स्थिति जो है महिलाओं की वो पहले की अपेक्षा जो है अभी खराब होती जा रही है और इसके लिए जो है समाज जो है महिलाओं को अपनी आवाज़ को बुलंद करनी होगी, साथ में जो समाज समुदाय है उसको अपनी आदिवासी को फिर से रिव्यू करना होगा और याद करना होगा, तभी मैं समझता हूँ कि जो अधिकार है महिलाओं के वो वास्तविक और प्राकृतिक रूप से उनको मिलने पाएंगे। ठीक कह रहे हैं कि जहाँ तक मुझे समझ आया कि आदिवासी संस्कृति जो थी उसके बेसिस पे इक्वालिटी बहुत ज्यादा थी 100 साल पहले, अब क्योंकि हम संस्कृति फॉलो नहीं कर रहे हैं जैसा करना चाहिए, उस वजह से इतनी ज्यादा मतलब महिलाओं और पुरुषों में असमानता है, वरना पहले थी बात अच्छी थी। ये श्याम मोटा मोटी कहना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे संथाली महिलाएं हैं क्योंकि उन्होंने संथाली कहानियां बताई, तो आप दोनों से भी पूछना चाहते हैं कि आप इससे सहमत हैं कि 100 साल पहले बहुत अच्छी स्थिति थी, इनफैक्ट बराबर थी, हम बेहतर कह सकते हैं, हाँ। अच्छी तो नहीं कहेंगे, मतलब बराबर तो नहीं कहेंगे लेकिन वही तुलनात्मक वाली बात हो जाती है कि अगर तुलना करें आज के दौर से
तो शायद थोड़ी सी ठीक थी लेकिन बराबर नहीं थी। मैंने जो पहले कहा कि ये जो टैबू वगैरह था, निषेध जो था आदिवासी महिलाओं के लिए, वो तो शुरू से ही था आदिवासी महिलाओं के लिए। और जी, और जैसे जमीन की बात इन्होंने कही श्याम ने, तो जमीन मतलब औरतों को दिया जाता था, ये मैं समझ रही हूँ, तलाकशुदा महिलाओं को या सिंगल वुमेन जो रहती है, कुंवारी लड़कियां जो रहती हैं जो शादी नहीं करती थी किसी कारणवश, अपने पिता के घर में रह जाती थी, तो उनके हिस्से कुछ संपत्ति उनको मिलता था, लेकिन वो बराबर नहीं मिलता था, भाइयों के बराबर लड़कियों को नहीं मिलता था, मिलता था वो सिर्फ जीवित रहने लायक, जिंदा रहने लायक उनको मिलता था, या फिर उन लड़कियों को मिलता था जैसे घर जमा सिस्टम के थ्रू हमारे संथाल में, कि जिनके यहाँ बेटे नहीं होते हैं वहां पे बेटियों को पूरी जमीन दी जाती है, बेटियों को नहीं दी जाती है, जिस जो वर्ड है घर जवाएं, तो घर जवाएं मतलब दामाद को वो जमीन दी जाती है, वहां पे भी बेटी को नहीं दी जाती है, वो दामाद को जमीन ट्रांसफर की जाती है, जब शादी होती है घर जवां सिस्टम से, तो वहां पे शादी के दिन ही जो दामाद होता है, दूल्हा होता है, उनको जमीन में वो पैर रखवाया जाता है या उनको चलवाया जाता है कि ये आपका जमीन हो गया, तो वहां भी बेटियों को वो वहां पे उनका कोई जमीन नहीं होता, वो आखिर में पुरुष के नाम से ही वो जमीन चला जाता है, मतलब पुरुष के पास ही वो जमीन का जो अधिकार है वो उनके पास ही रह जाता है। हाँ, लेकिन वही तुलना करें आज के समय से, अगर हम तुलना करें तो पहले बेटियों के लिए सोचा समाज जो वो दयालु भाव रखता था, उनके साथ सहानुभूति रखता था कि भाई ये कहाँ जाएगी, कैसे जिएगी, तो इनके जीने लायक कुछ दे देते हैं, तो दया रहता था, बराबरी नहीं थी, मुझे जहां तक समझ में आया। तो हिस्ट्री पे चर्चा हम अलग से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पे सबके अलग अलग व्यूज होंगे आई थिंक, लेकिन प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अच्छी नहीं है, राइट। हाँ, लेकिन जो श्याम ने जो बातें कही कि सही में श्याम ने जो इतिहास की बातें कही वो काफी मायने रखता है, अगर लोग इस बारे में जाने कि पहले हम लोग क्या थे, तो चीजें काफी समाज को, हमारे महिलाओं के प्रति जो माहौल अभी बना है वो काफी मदद कर सकता है हम लोगों को, श्याम जो चीजें बता रहे हैं, मुझे लगता है कि आज का जो युवा है वो बिल्कुल भी नहीं जानता अपना इतिहास, उनको जानना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे लोग महिलाओं को सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो इस लायक ही महिलाओं को नहीं समझ रहे हैं कि उनको सुना जाए, उनसे बात की जाए, वो अपने बराबर में बैठ के आपसे बात ही नहीं करना चाहते आदिवासी महिलाओं से, तो ये सब चीजें फिर से वापस आए। मुझे लगता है कि श्याम जी ने जो इन्फॉर्मेशन, बहुत बेटर इन्फॉर्मेशन दिया है, और उस समय से आज की तुलना करें तो श्याम जी ने किन महिलाओं को अब तक 18वीं सदी में जो लैंड हस्तांतरित हुए हैं उनका कोई उदाहरण अभी तक हम लोगों के पास ऐसा नहीं आया है, तो हम कानूनी रूप में, कागजी रूप में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख देना उस दौर में भी जारी था, तो हम उस दौर में सामाजिक ताना बाना है जो महिलाओं पर हावी रहा है और समाज की जो संरचना है वो महिलाओं में उस वक्त भी हावी ही रही होगी, और जो जो प्रक्रियाएं समाज के अंदर बनाई गई हैं महिलाओं के लिए वो निश्चित रूप से अभी जिस तरीके से हावी है तो उस दौर में भी हावी रही होगी, लेकिन हाँ उसमें एक अंतर रहा होगा मुझे लगता है कि गैर आदिवासी मत या निर्णय जो है वो महिलाओं पे नहीं थोपी जा रही होगी, जिस तरीके से अभी जो नीलम ने कहा कि आदिवासी लड़कियों लड़के भी रेप कर रहे हैं, तो इस तरीके के प्रचलन, ये गैर आदिवासी से आया हुआ प्रचलन नहीं थोपा गया होगा, और रेप जैसे वर्ड का इस्तेमाल हम समझते हैं आदिवासी समाज की साहित्य और संस्कृति में कहीं नहीं हम मुझे दिखता है, तो हमें लगता है कि श्याम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं और इसको फोकस करना चाहिए और इस पे तुलनात्मक दृष्टिकोण भी रखने चाहिए हमें, कि उस समय में कानून सामाजिक या परंपरागत कानून जो भी बने हैं वो कानून को के उदाहरण स्वरूप हमें प्रेजेंट करना चाहिए, जो एक अवेयरनेस लाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है
आज की युवा पीढ़ी को और आज के समाज को। आलोका दी मैं थोड़ा सा आलोका जी ये कह रही है कि हो सकता है कि उस समय का साहित्य या लिटरेचर भी मैनिपुलेटेड हो पुरुषों के द्वारा, ऐसा हो सकता है, आप ये कह रही है क्या? असीम जी मैं कुछ कहना चाहूंगी उस समय की या आलोका दी ने जो कहा कि उस समय रेप कल्चर नहीं था या रेप जैसा शब्द नहीं था हमारे साहित्य में, तो हाँ मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पास साहित्य ही कहाँ था या फिर हमारे पास शब्दों का भंडार ही कहाँ था। हमने संथाली की अगर बात करें तो संथाली में हमने बहुत सारे नए शब्द अभी इजाद किए हैं। ये रेप या बलात्कार ये हिंदी में भी ये वर्ड नहीं था, लोग मानते ही नहीं थे कि बलात्कार होता क्या है। अभी नए नए शब्द बन रहे हैं, जैसे अब हम कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा एक नया शब्द है या मैरिटल रेप एक नया शब्द है। इससे पहले मैरिटल रेप की कोई अवधारणा नहीं थी, लोग समझते नहीं थे कि रेप क्या होता है भैया। तो मुझे लगता है कि रेप होते थे, तब भी होते थे, भले हमने उसको परिभाषित नहीं किया था। जी हो सकता है, मुझे अभी तक कोई ऐसे उदाहरण नहीं मिले हैं। उदाहरण नहीं मिलेंगे क्योंकि उस वक्त हम लोग उस चीज को रिकॉर्ड ही नहीं करते थे ना, हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। हाँ, जिस तरह से लड़कियों को पकड़ करके ले जाया जाता था, और लड़कियां जो है वो अभी भी आप गांव में देख लोगे कि आप किसी हटिया में मेला में लड़के वैसे ही करते हैं, अचानक से किसी को पकड़ लिए फिर घसीट के उधर ले गए, तो वो क्या चीज है। अब लड़कियां भी उसमें ज्यादा विरोध नहीं करती हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई अब इसके सामने सरेंडर ही करना पड़ेगा, या तो वो रेप ही है मतलब एक तरह से। अभी भी आप उस चीज का उदाहरण गांव में आप देख सकते हैं, उस तरह की चीजें होती है। क्या इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं श्याम जी ने जो कहा उस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि जो 1909 CNTA एक्ट से पहले, मतलब जब उससे पहले मतलब जब मतलब क्या डॉक्यूमेंटेशन हुआ, मतलब जमीन क्या उसका एक वर्ड है अभी मुझे आ नहीं रहा है, पट्टा। हाँ, जब पट्टा दिया गया तो जो पुरुषों के नाम ही दिया गया, उससे पहले स्त्रियों के मतलब बराबर थी, ऐसा कुछ नहीं है। उससे पहले ये था कि सामुदायिक अवधारणा थी आदिवासियों में, तो मतलब किसी एक के नाम की नहीं थी जमीन, किसी एक के नाम पे होती ही नहीं थी उससे पहले, मतलब किसी के नाम भी नहीं होती थी, एक पे किसी के नाम पे भी नहीं होती थी आदिवासी समाज में। उस टाइम ये था कि ज्यादातर एक जगह जाते थे आदिवासी, वहां पे जमीन साफ करते थे, खेती करते थे, रहते थे, फिर धीरे धीरे एक एक जगह बसने भी लगे थे, लेकिन जमीन किसी के नाम पे रहती नहीं थी, मतलब पूरा सामुदायिक था जो भी रहते थे फैमिली में। तो इसीलिए अगर उस टाइम भी शायद नाम देना होता तो वो परिवार को ही देते। इसका कारण ये था कि शादी के बाद महिलाएं पुरुषों के घर चली जाती हैं, ये था। उसके बाद भी पट्टा पुरुष नाम देने का कारण भी यही था कि शादी के बाद महिलाएं पुरुषों के घर चली जाती, यही कारण था, और इसलिए शादी के बाद भी ये पट्टा दिया गया, और ऐसा नहीं था कि उसके पहले की मतलब स्त्री पुरुषों को दोनों को दिया जाता। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूंगी। इस पक्ष पे भी एक अलग डिबेट हो सकता है, अच्छा जरूर करेंगे हम लोग, क्योंकि हाँ कुछ बोल रहे हैं, इस पे बाद में बहस हो सकती है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था अलग था, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि हाँ कि युद्ध में गए थे तो महिला को दे के चले गए थे, ये पता है ये इसलिए नहीं दिए गए थे कि वो महिलाओं के बारे में सोचते थे, इसलिए दिए गए थे क्योंकि वो उस टाइम उसकी जरूरत थी, घर में उसके कोई नहीं होगा इसलिए महिला को दिया गया था। आप देखिए द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि महिलाओं जब पुरुष लड़ने के लिए गए, पश्चिम की मैं बात कर रही हूँ, जब पुरुष लड़ने के लिए गए तो महिलाओं को घर से बाहर काम के लिए सपोर्ट की जरूरत थी तो जाना पड़ा था उस टाइम। वैसे ही ये आप समझिए इसको कि यहाँ पे इसलिए नहीं दिया गया था कि महिलाओं के लिए बराबरी का भाव था या कुछ था, जरूरत थी वो पुरुष के लिए। आप इसका समझिए ये बात थी, जरूरत हो सकता नहीं है। आप उसको देखिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए कि द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में जब जरूरत पड़ी तो उनको घर से बाहर भी भेजा गया काम के लिए, क्योंकि उस टाइम ब्रेड अर्नर के नहीं थे पुरुष, युद्ध में गए थे तो महिलाएं ही घर बाहर संभाली, और फिर जैसे ही वो वापस आई युद्ध खत्म हुआ फिर महिलाओं को घर के अंदर बंद करने की कोशिश की गई।
यही चीज है, बात ये है। आप उस एक एग्जांपल से आप ये नहीं कहते पूरे समाज को कि था, बराबर ही नहीं थी। जो भी परंपराएं थी समाज में, मतलब कि जो प्रधान मां जी इस सब चीजों की, तो ये इसमें महिलाओं को नहीं, मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू को उतना महत्व नहीं दिया गया, नहीं देखा गया। तभी तो माझी हड़ा और राजा ये सब शब्द का प्रयोग हुआ है जी। तो साहित्य जो लिखा गया आदिवासियों पे वो मैनिपुलेटेड था पुरुषवाद से, उससे नहीं। देखिए देखिए दो तरह से लिखा गया। पहली बात, जब शुरू में जब आदिवासी साहित्य लिखा गया तो दो तरह की चीजें हुई। एक तो ये कि एक दक्षिण पंथी विचारधारा से प्रेरित लिखा गया, तो उन लोगों ने उसी की आदिवासियों को असभ्य बर्बर इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई, उनकी परंपराओं को एकदम नीचा दिखाने की कोशिश की। और दूसरी एक और परंपरा चली जिसमें ऑर्चर या फिर इनका नाम है एक और बहुत बड़े लेखक रहे हैं उस टाइम, हिंदुस्तानी नहीं थे वो, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने एक आदर्श मतलब कि उन लोगों ने एग्जाम्पल की तरह पेश किया समाज के लिए, हाँ दूसरे समाज के लिए एक तरह से एग्जाम्पल की तरह पेश किया कि हाँ ये इसमें बेहतर है। और कई तरह के जैसे कि जो परंपरागत शासन व्यवस्था है, स्वशासन व्यवस्था, एक्चुअली ये प्रजातंत्र से पहले आया था आदिवासी समाज में, और इस चीज को एक्चुअली इस चीज को आदर्श की तरह देखा जाना चाहिए। तो कुछ कुछ अच्छी चीजें थी उसको हाईलाइटेड करके आदर्श की तरह स्थापित करने की कोशिश की गई। तो दो तरह से पहले जो लिखा गया साहित्य दोनों अलग अलग था, बीच में जो संतुलित जो दृष्टि है उसकी कमी थी उस टाइम की जी। तो धीरे धीरे आता है वो सब चीज, तो हम लोगों को इस तरह से देखने की जरूरत है दोनों को कंपेयर करके जब आ रही है चीजें, और फिर अपने समाज में जो भी चीजें प्रचलन में थी। तो मेरा ये इस बात से अभी भी सहमत नहीं होंगे पूरी तरीके से, लेकिन क्योंकि आलोका जी भी रहे क्योंकि नारीवाद के बारे में अंत में मुझे यही कहना है कि भिन्न भिन्न नारीवाद की दृष्टिकोण को हमें समझना चाहिए, उस पर बहस चलानी चाहिए, और ये अवसर की तलाश होनी चाहिए कि इस बहस के बाद हम आदिवासी नारीवाद के जो दृष्टिकोण है उसको लेके समाज में एक नई परिवर्तन की धारा को खड़ा कर सके और नई धारा को बहस के तौर पर लाए, और जो आने वाली नई पीढ़ी है उसमें नारीवाद वर्चस्व समानता की बात को हम कैसे शामिल कर सकते हैं इस पर हमें विचार करना चाहिए, और हमारी बहस को उसी एंगल से आगे ले जाना चाहिए ताकि लोगों में ये समझ में आए कि हम जो नारीवाद की बात करते हैं, हम लोग जो नारीवाद को एक आंदोलन की तरह देखते हैं, उस नारीवादी आंदोलन में झारखंड और तमाम इलाकों के नारीवादी सोच वाले लोग समाहित हो सके और हमारी बातों से समाज में कुछ बदलाव आए, और जो हो रहे लगातार महिला हिंसा, महिला उत्पीड़न, समाज के अंदर में जो उत्पीड़ित व्यवस्था है वो उससे निजात पाने का एक बड़ा माध्यम हम नारीवादी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए कह सकें। इन्हीं अंतिम में मैं यही बात कहना चाहती हूँ ताकि हमारे समाज, हमारी महिलाएं जो बच सके। हम तो कहतुआ दरी